नरेश जी, सबसे बढ़िया समय कविता के लिए कौन सा रहा आपके अनुसार? अगर अभी द्वेष है, नफरत है, तमाम चीजें हैं, लेकिन कविता के लिए सबसे बेहतरीन समय कौन सा था ये? और साथ ही साथ मेरी आपसे गुंजाइश है कि जो मैं आपसे रिक्वेस्ट मेरी कि चंबल की जो वेदना आपने उनको जो शब्द दिए हैं प्लीज़ आप उनको सुनाए भी, क्योंकि यहाँ पर आपको सुनने के लिए भी लोग आए हुए हैं। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, सबसे कठिन समय या सबसे अच्छा समय? हाँ, मैं क्योंकि आपने कहा कठिन समय तो ये चल रहा है, लेकिन अच्छा समय कौन सा था फिर कविता के लिए? अच्छा समय तो जब हम 18 साल 19 साल की उम्र के थे, हमें दुनिया की चिंता ही नहीं थी, हम अपना प्रेम कविताएँ लिख रहे थे, दुनिया में जो हो रहा है सो हो रहा था, हमारी दुनिया में प्रेम ही प्रेम था। आज प्रेम क्या है हम कह चुके हैं, और दुर्भाग्य से सारी चैनल, सारे अखबार उसमें शामिल हैं। ये एक बची थी चैनल NDTV, तो पता लगा वो भी खरीद ली गई है, और सब जानते हैं कि किसने खरीदी है और क्यों खरीदी है और उसका कविता से क्या संबंध है, ये आप जानते हैं। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आप बताइए लोगों को। और एक बात और बताऊं कि मनुष्य की ताकत, संकल्प सबसे ज़्यादा तब निकल करके आता है जब सबसे कड़ी चुनौती होती है, तो सबसे अच्छी कविता के लिए यही सबसे अच्छा वक्त है। थोड़ा सा माहौल को अशांत करते हुए सर, आपकी एक कविता, एक रचना जरूर सुनना चाहेंगे हम। जो आप सुनाना चाहें, यहां कोई बंदिश नहीं है। तो मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना? मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना? पर मरना है तो लड़कर मरना, सही बात पर अड़कर मरना, और दुश्मन के निर्मम चेहरे पर एक तमाचा जड़कर मरना। क्या बात है। अब भेद नदी का पाना हो तो पुल पर पांव न धरना, भेद नदी का पाना हो तो पुल पर पांव न धरना, कसना कमर और धीरज धर धारा बीच उतरना, तो भंवर और घड़ियाल मिलेंगे, भंवर और घड़ियाल मिलेंगे, शैवालों के जाल मिलेंगे, धारा का आवेग और लहरों के कठिन सवाल मिलेंगे। अब बिन जूझे कैसे जानोगे क्या है पार उतरना? अरे मरना है तो प्यार में मरना। क्या बात है। मरना है तो प्यार में मरना, मरना है तो प्यार में मरना, दुश्मन को ललकार के मरना, अपना प्रेम पुकार के मरना, अब मरना है तो समर में, मच्छर काटे से क्या मरना? मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना? लेकिन लीलाधर जी, आपने प्रेम को एक रोग कहा, एक भोग कहा अपनी रचनाओं में। नहीं, देखिए ऐसा है, नरेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हम लोग जब कविता लिख रहे थे, जब कविता की ओर आ रहे थे, तो बहुत छोटी उम्र से आ रहे थे, और कविता की उम्र वहीं से शुरू तो जरूर होती है, पर कविता की उम्र वहां खत्म नहीं होती है। कविता की उम्र, मनुष्य की उम्र खत्म हो जाने के बाद भी कविता की उम्र तो खत्म नहीं होती। कविता ताउम्र फिर से पैदा होती है, और अनेक ऐसे कवि हमने देखे हैं जो बहुत कम उम्र में हमारे बीच नहीं रहे, जो बहुत कम उम्र में चले गए, लेकिन वो एक लकीर खींच गए हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने, व्यास जैसे लोग या वाल्मीकि जैसे लोग या तुलसीदास जैसे लोग, जिन्होंने 125-125 वर्ष की से भी अधिक का समय लिया है अपने जीवन में,
सवाल ये है कि वो मरना, क्षणिक मरना भी मरना है और दीर्घकालीन मरना भी अंत में मरना है, लेकिन कविता किसके साथ है? कविता किस मरने के साथ है? कविता मरने के साथ नहीं, कविता जीने के साथ है। और जीने के साथ वो कविता है जो भाषा को समझती है। जो भाषा को समझती है वो कविता जीती है, और जो भाषा को नहीं समझती वो कविता तो लिखे जाते हुए ही मर जाती है। इसलिए मैं आपको वाल्मीकि का एक पद सुनाना चाहता हूँ। उस समय हमारे समय में ऐसे ऐसे कवि हुए हैं, मुझे छाया दिखाई देती है वाल्मीकि की उनकी, उनमें। गगनम गगन सदृशम, गगन शब्द तो सभी समझते हैं, सदृश शब्द भी सभी समझते हैं, इसका मतलब है कि आसमान आसमान की तरह है। गगनम गगन सदृशम, गगनम गगन सदृशम। अब देखिए वो ये उम्र का फर्क होता है कि मैं वो लाइन ही भूलता जा रहा हूँ, फिर भी मैं याद करूँगा उसको। गगनम गगन सदृशम सागर सागरोपमम, आसमान आसमान की तरह है और समुद्र समुद्र की तरह है। गगनम गगन सदृशम सागर सागरोपमम, राम रावण योर युद्धम, राम और रावण का युद्ध, राम रावण योरिव, राम और रावण की तरह था। ये पोएट्री महान पोएट्री है, क्योंकि इसमें तीर कमान तलवार नहीं बताई गई है, न तोप के गोले बताए गए हैं। ये बताया गया है कि राम और रावण का युद्ध राम और रावण की तरह था। भाई ये जो कहने की शैली है ये बताती है कि कविता ऐसे बनती है। किस चीज़ से बनती है? कथन से बनती है कविता। और मैं तो ये भी सवाल आपके बीच रखना चाहता हूँ कि कवि शब्द बना कैसे? कवि शब्द किसके लिए बना है? लोग स्त्री कविता लिखे तो उसको कवित्री कहने लगते हैं, गलत है। कवि सब हैं, जो कविता की तरह सोचे वो कवि है। गगन गगन सदृशम सागर सागरोपम, राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव, राम और रावण का युद्ध राम और रावण की तरह था, उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती है। वाल्मीकि ये कहना चाहते हैं। हमारे बहुत से कवि हैं आज आधुनिक समय में जो इस तरह की कविताएं लिखने में काफ़ी महारती हैं और लिखी हैं उन्होंने, पर मुझे लगता है कि वाल्मीकि तो किसी कवि का अनुयायी था ही नहीं। उसने इतनी सरल पंक्ति कैसे लिख दी? तो ये जो सरलता में, ये जो सादगी में ताजगी है और जो कहने की एक शैली है, शायद यही कविता को अलग बनाती है। इसीलिए कवियों को लेखक नहीं कहा जाता है, कवियों को कवि कहा जाता है। हर लेखक कवि नहीं होता और हर कवि लेखक हो सकता है, हर कवि लेखक हो सकता है पर हर लेखक कवि नहीं हो सकता। इसलिए इन शब्दों का जो अंतर है ये भी कविता ने सिखाया है हमें, और आज नहीं सिखाया, सदियों से सिखाती चली आ रही है। तो जब हम शब्दों की तमीज़ सीखते हैं, जब हम शब्दों को बरतना सीखते हैं, जब हम शब्दों को अपने बरक्स एक खड़ा व्यक्तित्व की तरह देखते हैं कि एक दूसरा, मेरा ही एक दूसरा व्यक्तित्व मेरे समक्ष खड़ा हो गया है, तब भाषा की कद्र, भाषा की शक्ति, भाषा की ताकत को हम जान पाते हैं कि भाषा क्या काम कर रही है। हम ही काम नहीं कर रहे होते, भाषा भी काम कर रही होती है, पर उस भाषा को कौन लाता है हमारे साथ? हाँ, उस भाषा को कविता लाती है, साहित्य लाता है, नाटक लाते हैं, और तमाम जितनी सोचने समझने की विधाएं हैं वो सारी चीज़ें भाषा से जुड़ी हुई हैं।